प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। इस कार्य में संभवतः 65 से 75 मिनट का समय लग सकता है। लगभग सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। जनवरी पौष शुक्ल द्वादशी भारतीय कालगणना में कूर्म द्वादशी है। अभिजित मुहूर्त है, मृक्षरा नक्षत्र है। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं, पत्थर की है। हमारे अनुमान से ₹150 से ₹200 के बीच में उसका वजन होगा। खड़ी प्रतिमा 5 वर्ष का बालक का स्वरूप, जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। गर्भगृह में गरिमामय उपस्थिति, जिनके सम्मुख सब काम होगा वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्यगोपाल दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया, सभी ट्रस्टीज, लगभग 150 से भी अधिक परंपराओं के संत धर्माचार्य, आदिवासी गिरिवासी समुद्र तटवासी द्वीपवासी जनजाति परंपराओं के संत महात्मा, भारत में जितने प्रकार की विधाएं हैं